लैंडफॉल जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है और इसी के साथ लालू यादव की मुसीबतें फिर से बढ़ गईं। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। समन जारी कर लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया गया है। लैंडफॉल जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लालू और तेजस्वी तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। लैंडफॉल जॉब मामले में पहली बार तेज प्रताप यादव को समन भेजा जा चुका है और कोर्ट ने कहा कि बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर हुआ। इसके साथ ही यादव परिवार द्वारा पद का दुरुपयोग भी किया गया।